आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर स्थित हिंदू शिव आश्रम में लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी फरियाद, लोगों को दिलाया भरोसा, कहा किसी के साथ नहीं होगा अन्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थित उनकी प्रतिमा पर किया पुष्प अर्पित। कहा, 7 दशक के बाद पंडित दीनदयाल के विचारों को साकार कर रही है सरकार। आज जेल हुई, बिहान बेल हुई, परसों से उहे खेल हुई, भोजपुरी गाने पर युवक को असलहे का ट्रिगर बार बार दबाना पड़ा महंगा। वायरल वीडियो का गोला पुलिस ने लिया संज्ञान, मुकदमा हुआ दर्ज। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, होगी कड़ी कार्रवाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित गरीब कल्याण मेला का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। 15 विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं के लगाए गए स्टाल, विभिन्न योजना के पात्र व्यक्तियों को दिया प्रमाण पत्र। कहा, समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है केंद्र व प्रदेश की सरकार। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक। दशहरा, बर्फात, दीपावली एवं छठ पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के दिए निर्देश। कहा, त्योहारों में खलल डालने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन हंट के तहत गगांव पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी 25,000 के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। एसपी साउथ ने किया खुलासा, भेजा जेल। किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी शनिवार को मीडिया से हुई रूबरू। कहा, अक्टूबर माह में आयोजित होगा भव्य हवन कार्यक्रम, प्रदेश में दोबारा बनेगी योगी सरकार। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में डायट सभागार में संपन्न हुई शैक्षिक उन्नयन, अभिप्रेरण एवं नेतृत्व विकास हेतु शिक्षक संवाद कार्यक्रम। मंडलायुक्त ने कहा, बच्चों के विकास में शिक्षकों का होता है बहुत बड़ा योगदान। शनिवार को जनपद में जिला अस्पताल सहित 67 केंद्रों पर 16,703 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। प्रथम डोज लेने वालों में 4,133 तथा दूसरी डोज लेने वालों में 12,570 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका, जीत का। ऑपरेशन हंड के तहत सिकरीगंज थाने के पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी 25,000 के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। एसपी साउथ ने किया खुलासा, भेजा जेल। एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में रामगढ़ताल स्थित नौकायन के समीप चला वाहन चेकिंग अभियान। मॉडिफाइड साइलेंसर लगे बुलेट सहित 150 वाहनों का किया गया चालान। एसपी ट्रैफिक ने कहा, करें यातायात नियमों का पालन, रहें सुरक्षित। गोरखपुर में शनिवार को नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,414। अब तक 849 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान, 11 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के तत्वावधान में मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। पंडित दीनदयाल के पद चिन्हों पर चलने का लिया गया संकल्प। और 19 सूत्रीय मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने चेतना तिराहे से निकाला मशाल जुलूस। मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग।